गाइज एक्सरसाइज नंबर एक का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड सो so गैर्स आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज एट के सॉल्यूशन की एक्सरसाइज एट में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग को बनाना है एक अलार्म क्लॉक जिसमें कि आपकी जो घड़ी है वो तो चलेगी चलेगी साथ के साथ उसमें अलार्म क्लॉक की फंक्शनैलिटी भी होनी चाहिए तो मैंने बोला था कि एसटीमल ऑडियो इंटरफेस जो है वो आपको ऑडियो प्ले करने में जो है मदद करता है ठीक है आप कुछ इस तरह से ऑडियो प्ले कर सकते हैं ऑडियो एलिमेंट इज़ इक्वल टू न्यू ऑडियो करके और मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक डेमो भी दिखाया था एक प्ले फंक्शन हम लोगों ने बनाया था जिसको मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ और इसको मैं जैसे यूज़ करूँगा मैंने आप लोगों को एक सेट टाइम आउट भी बताया था मेरी आवाज़ प्ले हो जाएगी जैसे ही मैं इसको यूज़ करूँगा ठीक है तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा मैं सबसे पहले तो सेट इंटरवल लगाऊंगा एक ठीक है सेट इंटरवल लगाऊंगा सेट इंटरवल और सेट इंटरवल पे मैं फंक्शन एक रन करूँगा लेट डी इज इक्वल टू न्यू डेट और या मैं सिंपली कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं लिखूंगा डी डॉट गेट टाइम ठीक है लेट सी वॉट हैपन्स गेट टाइम नहीं यार गेट डेट देखते हैं कैसा दिख रहा है और डेट भी बड़ी अजीब सी हो रही है और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट करे जा रहा है करे जा रहा है अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ यार मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए मैं सबसे पहले इसको नई टाइप पर खोलता हूँ ठीक है और मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करके लेडीज इक्वल टू न्यू डेट करेंगे और फिर डी डॉट गेट आई एस ओ टाइम ये वो हमारा ऑडियो इंटरफेस की आवाज़ है नॉट एन एडिटिंग मिस्टेक तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक टाइम नाम का आई डी डाल के डेव बना लिया और टाइम प्लॉट इनर एस टी एम एल को ये कर दिया अब ये करने के बाद पता है मैं क्या करूँगा मैंने ये कर दिया सेव करूँगा इसको और इसको चलाऊँगा। तो आप लोग देखो कि यहाँ पर टाइम जो है मेरा बिल्कुल सही सही चलने लगेगा देखो यहाँ पर सेकेंड्स भी चल रहे हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है ठीक है तो यार ये काम तो हो गया अब मैं क्या करूँगा एक सेट अलार्म फंक्शन बनाऊँगा मैं कहूँगा भाई सेट अलार्म इज इक्वल टू ये तो मान लो कि मैं पाँच सौ सेकेंड्स के बाद जो है अलार्म बजाना चाहता हूँ ठीक है तो मैं पाँच सौ सेकेंड के बाद अलार्म बजाने के लिए क्या करूँगा मैंने यहाँ पर सेकेंड्स जो है वो ले लिया है अलार्म में और मैं पाँच सौ सेकेंड के बाद अब अलार्म बजा पाऊँगा ठीक है और एक चीज़ और मैं यहाँ पर लिखूँगा मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट एस इज़ इक्वल टू प्रॉम आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स डू यू वांट एन अलार्म ठीक है या फिर एक काम करता हूँ मैं इसको सेकेंड्स में कर देता हूँ आप इसको मिनट्स में आराम से कर कर पाओगे बाद में ठीक है मैं इसलिए कर रहा हूँ सेकेंड्स में क्योंकि यार मुझे टेस्ट भी करना है ठीक है मैं यहाँ पर लिखूँगा एट्स डॉट या इंटीजर डॉट पासेंट और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या एस ठीक है तो मैं इसको एज अन्टीजर you know, ले रहा हूँ ठीक है तो मैं सेट अलार्म ये करूँगा और इतने सेकंड के बाद मेरा अलार्म बज जाएगा तो मान लो मैं पाँच सेकंड के बाद बजाना चाहता हूँ मुझसे पूछेगा कितने सेकेंड्स के बाद मान लो मैं चार सेकेंड के बाद बजाना चाहता हूँ तीन चार नहीं बजा अलार्म ऐसा क्यों हुआ कुछ तो गलती करिए एंड इज़ नॉट डिफाइंड ओके तो मुझे यहाँ पर पता है क्या करना है ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है जावा स्क्रिप्ट यही जावा नहीं पाँच एक मिनट सेव नहीं हुआ अभी है पाँच दो तीन चार ओ कह बिकॉज यूजर डिड नॉट इंटरेक्ट विद द डॉक्यूमेंट फर्स्ट तो एक्चुअली जो प्रॉम्प्ट uh, है ना उसको भी डॉक्यूमेंट से इंटरेक्शन जो है नहीं माना जाता है तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म बनाता तो वो ज़्यादा बेटर रहता ऑन क्लिक करके तो देखो अभी यहाँ पर आ रहा है तो आप इसको थोड़ा बेटर कर सकते हो क्या करके कि एक बॉक्स बनाओ और uh, उस बॉक्स के अंदर की वैल्यू को पार्स करो एज एन इंटीजर और बटन पे क्लिक करने के बाद अलार्म बजे ठीक है तो uh, हम एक चीज और कर सकते हैं पता है क्या कि सेट टाइम आउट के साथ साथ एक सेट इंटरवल भी लगा सकते हैं और हम कहेंगे ठीक है पता है क्या कहेंगे अलार्मॉट इन एच टी एम एल इज इक्वल टू रिंगिंग इन और जितना भी सेकेंड्स का डिफरेंस होगा और यहां पर सेकेंड्स ठीक है कितने सेकंड्स का डिफरेंस होगा अलार्म कब रिंग करने वाला है सेकंड्स और यहाँ पर मैं क्या करूँगा सेकंड्स लेफ्ट ठीक है और मैं सिंपली क्या करूँगा यहाँ पर सेकंड लेफ्ट सेकंड्स लेफ्ट एक मिनट मुझे एक्चुअली ये 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 शो करना है कि यार अलार्म इतनी देर में रिंग होने वाला है तो मान लो कि इतने सेकंड्स में रिंग होने वाला था चूँकि मेरे पास एस सेकंड्स आया ठीक है इस फंक्शन में और अब मैं चाहता हूँ कि सेट इंटरवल चलता रहे और तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट डी इज़ इक्वल टू न्यू डेट और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा ये मुझे यहाँ पर क्या करेगा न्यू डेट डॉट गेट टाइम मैं करूँगा अगर तो मुझे मिली सेकेंड्स देगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा डी माइनस न्यू डेट डॉट गेट टाइम जब मैं करूँगा तो मुझे मिली सेकेंड्स का डिफरेंस मिल जाएगा तो मैं कहूँगा सेकेंड्स लेफ्ट इज़ इक्वल टू डी माइनस न्यू डेट और यहाँ पर मैं सेकेंड्स लेफ़्ट अपॉन थाउजेंड करूँगा आई होप कि ये काम करेगा मैंने रिलोड किया और मैंने सिक्स डाला यहाँ पर एक्चुअली मैंने यहाँ पर ना अलार्म नाम की कोई ये डाली नहीं है तो मुझे यहाँ पर आई डी जिकल टू अलार्म करके ऐसे डालना पड़ेगा ताकि यहाँ पर लिख कर आएगी कितने सेकेंड्स के बाद मेरा अलार्म बजने वाला है रिलोड फिर से करता हूँ अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है अलार्म रिंगिंग इन टू थ्री एक्चुअली मैंने नेगेटिव में ले लिया मुझे ठीक करना होगा इसको मान लो मैं तीन सेकेंड में अलार्म रिंगिंग इन वन टू थ्री सेकेंड्स नहीं मुझे उल्टा चलाना था यार ये तो यार कुछ गड़बड़ करिए मैंने लॉजिक में देखता हूँ क्या गड़बड़ करी है तो मैं कह रहा हूँ कि न्यू डेट माइनस अब ये टाइम तो चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है ठीक है मैं ये चाहता हूँ कि uh, मैं क्या करूं कि इसमें ये सेकेंड्स जोड़ दूं, ठीक है ये सेकेंड्स मैं जो जोड़ दूं, जितने सेकेंड्स के बाद इनफैक्ट सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड मैं यहाँ पर जोड़ूंगा, और ये माइनस डी करूंगा, ठीक है और ये करने के बाद देखता हूँ क्या मेरा लॉजिक ठीक हुआ और अगर नहीं हुआ ठीक सेवन एट ही तो आगे को बढ़ रहा है यार टाइम ऐसा क्यों हो रहा है आ, देखता हूँ यार क्या गड़बड़ कर, करने का कर तो ये अभी का टाइम जनरेट करेगा ठीक है और इसमें मैं जोड़ रहा हूँ ये सेकंड्स ठीक है और एक टाइम होगा कि ये जो न्यू डेट है और ये डी जो है ये सेम हो जाएंगे तो मुझे क्या करना होगा कि यहाँ प्लस करना होगा इसको डी में ठीक है माइनस डी प्लस दिस और यार मैं ज़्यादा दिमाग लगा के लॉजिक बना नहीं रहा हूँ आज ठीक है और शायद मेरा लॉजिक बन गया हाँ ठीक है अब यार ये तो उल्टा जाने लग गया नहीं मेरा अलार्म बजा ऐसा क्यों हो रहा है मान लो मैंने पाँच किया और यहाँ पर हाँ अब गया मेरा लॉजिक जो मैं चलाना चाह रहा था और फिर मुझे एक काम और करना पड़ेगा पता है कि एफ आ, अगर मेरा जो अलार्म है वो सेकेंड्स लेफ्ट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मुझे क्या करना होगा अच्छा मुझे इसको उल्टा भी करना होगा पता है क्यों क्योंकि क्योंकि मुझे यहाँ पर ये जो d प्लस सेकेंड्स इन टू थाउजेंड है वो हमेशा बड़ा होगा क्योंकि आगे वाले टाइम में हम अलार्म बजाएंगे पीछे टाइम में नहीं बजाएंगे अलार्म ठीक है तो मैं कहूँगा कि भाई देखो अगर सेकेंड लेफ्ट ग्रेटर देन जीरो है तब ये काम करना वरना मत करना ठीक है नहीं चाहिए वरना ठीक है अब देखो यहाँ पर मैंने सेवन किया ये देखो फोर थ्री टू वन अलार्म भूल जाएगा और ये तो यार चले पड़ा चले पड़ा ऐसा क्यों हो रहा है सेट uh, इंटरवल और अलार्म भी नहीं बजा यार मेरा ऐसा क्यों देखते हैं अभी पाँच सेकंड में क्या ये रुकता है कि नहीं हाँ गया ठीक है तो इस तरह काम आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पर ये एक इंटीजर के तौर पर आप लोग को देखने को मिले तो आप लोग यहाँ पर मैट डॉट फ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हो कुछ इस तरह से ठीक तो है तो रीलोड करते हैं इसको मान लो मैं दो सेकंड में बजाना चाहता हूँ हाँ अब सही है तो यार लॉजिक हमने बना लिया थोड़ा टाइम लगता है यार लॉजिक बनाने में बट बन जाता है तो अलार्म हमारा बज गया आप कोई अच्छी साउंड यूज़ करना अलार्म की नहीं तो सो सो जाएंगे उल्टा इस साउंड से जगने के बजाय ठीक है तो ये हमारा काम अभी हो चुका है अब हम क्या करेंगे कि रैपल पर चल कर कुछ लोगों को शाउट आउट दे देंगे ठीक है क्योंकि शाउट आउट यार बनता है अब बहुत सारे लोगों ने इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया और बहुत ही कम लोग जो है वो सॉल्व कर रहे हैं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है क्योंकि क्या होता है कि जब कोई कोर्ट स्टार्ट होता है तो बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन खत्म बहुत कम लोग करते हैं देखो भाई ने थमने लगे लगाया बिग शाउट आउट क्लेवर हरे एंड अमेजिंग मैन अमेजिंग और इन्होंने यार यू के साथ जो काम किया है बहुत बढ़िया है ठीक है बहुत ही बढ़िया यार अब मैं क्लियर अलार्म भी कर सकता हूँ सेट अलार्म भी कर सकता हूँ क्लियर अलार्म भी कर सकता हूँ वाओ तो एक काम करते हैं बारह पचपन हो रहा है ना जरा टेस्ट करते हैं अलार्म लगाते हैं बारह छप्पन का क्या मैं लगा पाऊँगा क्या मैं जीत पाऊँगा लगा दिया मैंने बारह छप्पन का अलार्म अरे वाह अरे वाह यार मज़ा आ गया मज़ा आ गया तो यार ये आ, देखो कमेंट भी किया किसी ने इट्स अ नाइस क्लॉक अकॉर्डिंग टू मी अरे बाई अग शाउट आउट एब्सोल मैन वाई नॉट क्योंकि एक तो इतना अच्छी तरह से बनाई है इस क्लॉक को और फिर यार इतना जल्दी आई थिंक मैंने थर्ड नवंबर को ये वीडियो पोस्ट किया था और इन्होंने अभी कर दिया और दो बार क्यों पोस्ट कर रहे हो भाई एक ही बार मिलेगा शाउट आउट देख रहा है विनोद घंटी बजा रहा है वाह <laughs> अरे वाह यार ये तो अलगी, अलगी अलग ही अलग ही बना दिया अलग अलग ही लेवल पे ले गए तो मैंने एक सरप्राइज़ प्रोजेक्ट बनाया है फैच ए पी आई पे नोड और एक्सप्रेस का इस्तेमाल करके आ, मैं चाहता हूँ कि आप उसे ज़रूर देखें फीडबैक दें तो मैं इसको ज़रूर देखूँगा और फीडबैक भी दूंगा आपको न्यूज़ ए पी आई हमने रियाक्ट के कोर्स में भी यूज़ की थी तो न्यूज़ ए पी आई काफ़ी गज़ब की ए पी आई है बट क्योंकि अभी ये एक्सरसाइज़ यहाँ पर समय से पीछे चलने का शौक़ क्यों है आपको सही से टाइम डालो <laughs> बढ़िया यार मुझे सही लगा यार ये आपका अनोखा लाम दर्ज किया जा चुका है ओके ट्वेल्व फिफ्टी फिफ्टी एट पर करता हूँ ट्वेल्व फिफ्टी एट में अभी टाइम है तब तक हम जो है आपका अनोखा लाम दर्ज किया जा चुका है तब तक हम और लोगों को शाट आउट देंगे और तनीश वाओ अमेजिंग चेंज फॉर्मेट सेट अलार्म अच्छा यार अलग ही लेवल पे बना दिया यार ये तो ट्वेल्व फिफ्टी एट होने वाला है एलन एल एन एल फोर की घड़ी में और ट्वेल्व फिफ्टी एट होने वाला है हो गया <laughs> यार ये अलार्म तो बढ़िया लगा मुझे और यहाँ पर इन्होंने भेजा थी बहुत बढ़िया लगी बिग शाउट आउट यार बिग शार तो तनीश एज वेल well. और जितने भी लोगों ने बनाई है अलार्म क्लॉक उन सबको शाउट आउट मैंने बस लॉजिक बताया मेरी अलार्म क्लॉक सबसे वाहियात है इन सब अलार्म क्लॉकों में से मुझे पता है लेकिन मैंने बस लॉजिक बताया आपको कि किस तरह से आप करोगे सो शाउट आउट टू तनीश सिक्सटी फोर सामा खान सहन बिश्वास अरुण खत्री बजरंग कोडर्स हमस अख्तर और अनकन फोर थ्री फोर थ्री अभिषेक बोराना जिगमत कैल आई होप आई प्रोनाउंस दट राइट हिमांशु कुमार अनूब थ्री पी दिवान्शु मीधा एम आर जी जीरो ज़ीरो फोर प्रत्युष डबल जीरो अभिराज ठाकुर कोड विद खावर मिंद हंटर डबल जीरो एम योगेश गौर कोड विद खावर प्रिया निर्मलपुरी डबल एक्स राजपूत सुमन फिर प्रिया का दोबारा प्रिया अंशु कुंडू चंदन मॉन्स्टर अमरनाथ वन जीरो फाइव वन सबको बिग शाउट आउट यार ठीक है और इन सब को टेक्स शार्ट आउट दे दिया मैंने देख लो इनका नाम एम फैज़ान आकाश सारकी और आने वाले कोर्सेज और आएंगे और मौके आएंगे आप लोग जो है शाउट आउट लेना ज़रूर उसमें देखो शाउट आउट देने से कोई ज़्यादा बड़े वो नहीं है बट समझ लो आपको खुद को फील होगा कि यार मैं इतनी जल्दी कर पाई कि मुझे शाउट आउट मिल रहा है ठीक है मेरे शाउट आउट देने का कोई इतना बड़ा ये नहीं है मुझे पता है बट स्टिल आपको अपने आप में फील होगा यार मैंने जल्दी किया इसलिए मुझे शॉर्ट आउट मिल रहा है ठीक है सो आई होप कि आप लोगों को मजा आया आई होप कि आप लोग जो है इस कोर्स को एक्सेस करेंगे और प्रैक्टिस करो यार ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी स्किल्स होंगी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम